शिक्षा को महंगा कर दिया, हमें शिक्षा से वंचित कर दिया। जो हमारे बाबा साहब ने कहा था, जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जब जब हमारे संविधान पे आप उंगली उठाएंगे तो हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, अपने अधिकारों को तुम्हें छीनने नहीं देंगे। क्योंकि ये तानाशाही लोग हमारे देश पे कब्जा करे बैठे हैं और हमारे आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। संविधान में संशोधन करके, आर्टिकल्स को कमजोर करके ये हमारे अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये मेरे अधिकारों की लड़ाई है, मेरी आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। अगर आज हम नहीं जागे तो मेरी आने वाली पीढ़ी भी गुलाम बन जाएगी। खुल के विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये समता, समानता, एकता और बंधुता के विरोध में काम कर रही, संविधान विरोधी कार्य कर रही है सरकार। संविधान के विरोध में अगर कोई भी कार्य सरकार करेगी, हम सरकार का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पिछड़े नहीं है वो, आरएसएस के पुतले हैं। मोदी जी तो हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री जी भी हैं, देश के प्रमुख भी हैं, लेकिन जो काम करते हैं वो एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। आरएसएस के इशारे पे उनका कोई मौजूद नहीं है। देश हमारा संविधान से चलता है तो तुम जबरदस्ती हमारे देश पे, हमारे देश के नागरिकों के ऊपर ये तानाशाही सरकार, कैसे आप हमारे लोगों के ऊपर वो राजदंड का प्रतीक हमारे ऊपर जबरदस्ती तो कैसों से ये कल्पना नहीं डालती है। बाबा साहब की बेटी हूँ मैं, जान दे सकती हूँ, जान ले सकती हूँ, अपने अधिकारों से समझौता नहीं कर सकती हूँ। ये सरकार को ये जनता आईना दिखाएगी, सरकार से पीड़ित है जनता। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज। जिस तरीके से आप यहां पे पोस्टर देख पा रहे होंगे कि विशाल धम्म दीक्षा दिवस समारोह है, तो इसी को लेकर हमारे साथ कल्पना जी मौजूद हैं, तो इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। एक अभियान चला रही है, यात्रा चला रही है कि सिंगोल हटाना है संसद से, क्या दिक्कत है सिंगोल से आपको? सिंगोल से ये दिक्कत है कि हमारे जो राजतंत्र का वो प्रतीक है सिंगोल, और हमारे समता, समानता, एकता का जो प्रतीक है अशोक स्तंभ, उसको जो संसद भवन में नहीं लगाया गया है। और जो सिंगोल की स्थापना संसद भवन में की गई है वो एक राजदंड का प्रतीक है, वो समता, समानता, एकता को खंडित करता है। ये मुझे दिक्कत है उससे, सिंगोल से। और यही मेरी मांग है सरकार से, जो सिंगोल की स्थापना संसद भवन के अंदर की, एक देश हमारा धर्मनिरपेक्ष है, देश हमारा लोकतंत्र है और देश हमारा भारतीय संविधान से चलता है, तो आपने एक वर्ग एक धर्म की स्थापना संसद भवन में कैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कर दी है? और ये जो सिंगोल है, जो राजदंड का प्रतीक है, वो कैसे हमारा, जब देश लोकतंत्र है, देश हमारा संविधान से चलता है, तो तुम जबरदस्ती हमारे देश पे, हमारे देश के नागरिकों के ऊपर ये तानाशाही सरकार, कैसे आप हमारे लोगों के ऊपर वो राजदंड का प्रतीक हमारे ऊपर जबरदस्ती? कहां, कौन सी संविधान से चीजें हो रही हैं आप जरा बता दीजिए। निजीकरण हुआ संविधान से हुआ, लॉकडाउन लगा संविधान से किया गया है, नोटबंदी की है संविधान से किया है, कौन से ऐसे कार्य हैं जो अभी वर्तमान में निजीकरण किया गया वो संविधान, संविधान कौन से संविधान, संविधान का उल्लंघन करके सरकार कर रही है? मैं उसके विरोध में कर रही हूँ कि संविधान हमारा, हमारा समता, समानता, एकता का प्रतीक है, न्याय का है, तो संविधान के अकॉर्डिंग ही सरकार कार्य कर सकती है। जब सरकार संविधान से अलग हटके काम करेगी, मैं जब जब इसी तरीके से आवाज उठाऊंगी। और ये आंदोलन में 2 सितंबर से तो मैंने लखनऊ परिवर्तन चौक से यात्रा निकाली थी, आज हमने 75 जिले में से 65 जिले कवर करके आज मैं दिल्ली की धरती अम्बेडकर भवन पहुंची हूँ। और दिल्ली के जितने भी आसपास के जिले हैं वो हमारे 4-5 दिन बचे हैं और 4-5 ही जिले बचे हैं, तो वो मैं कवर कर रही हूँ। बिल्कुल खुल के विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये समता, समानता, एकता और बंधुता के विरोध में काम कर रही, संविधान विरोधी कार्य कर रही है सरकार। और ये देश हमारा धर्मनिरपेक्ष है, संविधान से चलता है। संविधान के विरोध में अगर कोई भी कार्य सरकार करेगी, हम सरकार का मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्यों लगता है आपको संविधान विरोध में हो रहा काम? सारे तो संविधान के कौन सा आप मुझे एक काम गिना दीजिए कि सरकार ने संविधान के दायरे में रहकर के एक भी काम किया हो आज तक, आप बता दीजिए। आप निजीकरण की बात कर रहे हैं तो निजीकरण जो हो रहा है संविधान के दायरे में, कौन सा निजीकरण? संविधान अधिकार देता है निजीकरण का? यहाँ से हमारा आरक्षण खत्म होता है, हमारे रोजगार खत्म करती है सरकार निजीकरण के द्वारा करके। हमारा जो आरक्षण है वो खत्म किया गया और जो उनके ठेकेदार बैठार दिए गए हैं वहाँ क्या हमारे लोगों को ले लिया जाएगा?
बहुजन समाज एससी एसटी ओबीसी का कौन सा बंदा लिया जा रहा है? आंदोलन से सिंगल हट जाएगा लगता है आपको? बिल्कुल सिंगल हटेगा और बचेगा, क्योंकि मैं ये आंदोलन 29 अक्टूबर के बाद भी जारी रहेगा। ये हमारा संकेतक आंदोलन है कि सरकार मान जाए, जो समता समानता एकता बंधुता का हमारा जो अशोक स्तंभ उसकी लाठ लगाई जाए। बाबा साहेब की प्रतिमा जो संसद भवन के अंदर नहीं है, जो कि उन्होंने हमारी विरासत पे हमला किया है, बाबा साहब की प्रतिमा को हटा करके उन्होंने ये दर्शा दिया है कि सुन लो शूद्रो, देख लो शूद्रो, आने वाला समय तुम्हारा गुलाम उसी गुलामी की व्यवस्था में तुम्हें भेजने की तैयारी हो गई जहाँ से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर निकाल के लेके आए। अगर आज नहीं चेते तो आने वाला समय भी उसी तरीके से होगा। उन्होंने ये दिखाया है बाबा साहब की प्रतिमा हटा के कि आने वाला जो हमारी पीढ़ी है, जनरेशन है, उसको ये ना पता चले। पिछड़े नहीं है वो, आरएसएस के पुतले हैं। मोदी जी तो हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री जी भी हैं, देश के प्रमुख भी हैं, लेकिन जो काम करते हैं वो एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। आरएसएस के इशारे पे उनका कोई मौजूद नहीं है। कहां से पैसा मिल रहा है यात्रा निकालने के लिए? हमारा यात्रा निकालने का हम खुद का अपना पैसा लगा कर रहे हैं। हमें कोई किसी के ना हमारा कोई पार्टिकल से रिलेटिव है, कोई पोलिटिकल से तो है नहीं। सामाजिक आंदोलन है, समाज के लोग जो भी है खाने के देते, रहने के देते, चलने के देते, उन्हीं से हमारा आंदोलन चल रहा है। आजकल केसों से ये कल्पना नहीं डालती है। बाबा साहब की बेटी हूँ मैं जान दे सकती हूँ, जान ले सकती हूँ, अपने अधिकारों से समझौता नहीं कर सकती हूँ। ये आंदोलन में हमें कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी वो मुझे पता है। जगह जगह एलआईओ आगे पीछे लगे रहे और जगह जगह हमारी गाड़ियां रोकी गई, जगह जगह हमें प्रताड़ित किया गया और वार्निंग दी गई कि आप यात्रा बंद कर दो, नहीं तो अभी जो निर्भया कांड हुआ, फलाना हो गया, ढिकाना होगा, उस तरीके से कर देंगे। मैंने कहा मैं अधिकारों की यात्रा निकाल रही, अपने देश, अपने संविधान, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए यात्रा निकाली है। मैं समझौता नहीं कर सकती हूँ, चाहे मुझे इसके लिए फांसी पे चढ़ना पड़ जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। आप किसान आंदोलन में भी आती थी? बिल्कुल। आपका तो काम है ये, देखिए आंदोलन हमें अपने हक अधिकारों के लिए रोड सड़कों पे, जब सरकार हमें संवैधानिक रूप से हमारे अधिकारों को छीन रही है, संविधान के अकॉर्डिंग हमारे हमें अधिकार नहीं दे रही है, तो हमें अपने अधिकारों को बचाने के लिए रोड सड़कों पर धरना प्रदर्शन और इसी तरह हम अपना जारी रखेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि ये मेरे अधिकारों की लड़ाई है, मेरी आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। अगर आज हम नहीं जागे तो मेरी आने वाली पीढ़ी भी गुलाम बन जाएगी, तो अपने आने वाली पीढ़ी को गुलाम न बनाने के लिए, हम अपने देश को गुलाम न बनने के लिए मैं उसकी लड़ाई लड़ रही हूँ और इसी तरीके से लड़ती रहूंगी। सत्ता में जाओगे तभी कुछ बदलाव कर सकते हो। सत्ता व्यवस्था परिवर्तित होगी, आने वाली जो समय है 2024 का, ये सरकार को ये जनता आईना दिखाएगी। सरकार से पीड़ित है जनता कि किस तरीके से जनता को रोजगार से बेरोजगार कर दिया, नौकरी से वंचित कर दिया। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रही हूँ। जो जनता की आवाज उठाएगी, जो हमारे देश की आवाज उठाएगा, जो संविधान की आवाज उठाएगा, जो संविधान के हित की बात करेगा, जनता के हित की बात करेगी, हम उसके साथ हैं। हम अभी किसी हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं है। वो जनता विरोधी कार्य कर रहे हैं, वो संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं, इसलिए मुझे रोड सड़कों पर आने की जरूरत पड़ी। मुझे अगर वो संविधान में दायरे में रहकर काम करते तो मुझे आने की जरूरत क्या पड़ती? ये बताइए, एक धर्म एक देश एक वर्ग की स्थापना तुमने संसद भवन के अंदर कर दी, हिंदूकरण कर दिया। जो एक देश हमारा धर्म निरपेक्ष है, वहां पर शहीदों की स्थापना होनी चाहिए थी, उनकी स्थापना करनी चाहिए थी, तुमने उनकी करी, जिसका हमारे भारत देश के इतिहास में और आजादी में कोई योगदान नहीं है। तुमने उनकी मूर्ति मूर्तियों की स्थापना की है, तो क्या मतलब है ये देश को तोड़ने का काम? हमें दिक्कत है, हम पागल नहीं है, हम बाबा साहब के वंशज हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। हमने देखा है कि जो हमारे लोग संसद में चुन के गए हैं हमारे जनता के द्वारा, वे ही लोग अपनी कलम के द्वारा हमारे बहुजन समाज के अधिकारों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। जब मैंने ये चीज देखी कि मेरे देश भारत को मेरी जरूरत है, मेरे संविधान को मेरी जरूरत है, क्योंकि ये तानाशाही लोग हमारे देश पे कब्जा करे बैठे हैं और हमारे आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं, संविधान में संशोधन करके आर्टिकल्स को कमजोर करके ये हमारे अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। इन्होंने निजीकरण करके उन्होंने आरक्षण दूसरी तरीके से खत्म कर दिया, हमें बेरोजगार बना दिया, शिक्षा को महंगा कर दिया, हमें शिक्षा से वंचित कर दिया। जो हमारे बाबा साहेब ने कहा था, जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, इसलिए हमारे लोगों को उन्होंने शिक्षा से वंचित किया है। शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि हमारे लोग अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते हैं और प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई होती ही नहीं है, क्योंकि
लागू वहाँ कटोरा थमा दिया जाता है तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे? आर्थिक कमजोर कर दिया है, नौकरियाँ छीन के हमारे लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए मुझे इस आंदोलन की जरूरत पड़ी और मैं ये आंदोलन अपने देश भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए आज 5 महीने से लड़ाई लड़ रही हूँ और 29 अक्टूबर को दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन रखा हुआ है। और मैं सभी भाई बहनों से अपील करती हूँ, ये देश भारत, ये संविधान, ये लोकतंत्र, ये आपका है, आपके अधिकारों का है, आने वाली पीढ़ी के बचाने के लिए मैं ये आपकी लड़ाई लड़ रही हूँ और पुनः अपील करती हूँ कि 29 अक्टूबर दिल्ली जंतर मंतर पर पहुँचें, अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ें और इस देश को अपने अधिकारों के लिए बता दें और दिखा दें कि हम अपने अधिकारों को तुम्हें छीनने नहीं देंगे। ये देश भारत हमारा है और हम इसके मूल निवासी हैं। जब जब हमारे संविधान पर आप उंगली उठाएंगे तो हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, अपने अधिकारों को तुम्हें छीनने नहीं देंगे। मैं पुनः अपील करती हूँ कि सभी भाई, सभी बहनें, देश के सभी मूल निवासी भाई बहन 29 अक्टूबर को दिल्ली जंतर मंतर पर पहुँचने का काम करें। वो ये 10 बजे से 1 बजे तक का टाइम है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें समय पर आने की। तो मैं सभी से अपील करती हूँ कि ये बेटी आपकी लड़ाई, आपके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है, आप सबसे मैं अपील करती हूँ कि मैं एक अकेली, हमारी लड़ाई नहीं है, हम सबकी देश भारत की लड़ाई है। अगर आज हम हार गए तो आपने ये पूरा देश हारेगा और आज अगर आपके अधिकार खत्म हो गए तो आने वाली पीढ़ी आपकी गुलाम बन जाएगी, कोई बाबा साहब दोबारा बचाने नहीं आएंगे। तो मैं अपील करती हूँ कि साथियों सभी अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए 29 अक्टूबर दिल्ली जंतर मंतर पर पहुँचें और एक देश की बेटी आपके सामने आपके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। जय भीम, जय भारत, जय समतान। तो ये थी हमारे साथ कल्पना जी, जिस तरीके से मतलब ये 5 महीने से इनका जो आंदोलन चल रहा है और 29 अक्टूबर को भी इनका एक आंदोलन होने वाला है, तो आपसे अनुरोध है कि आइए और इनका साथ दीजिए और देखते रहे जनता आवाज़।